सो गाइस, फिर से यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो है फायर स्टार्ट बैग के ऊपर। जो आप ये रेड वाली लाइन देख रहे हो, यही फायर स्टार्ट बैग होता है। तो आइए पहले तो ये समझते हैं कि फायर स्टार्ट बैग होता क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि फायर स्टार्ट बैग क्यों देते हैं, क्या होता है। देखिए, ये आदमी जो छत पर चढ़े हुए हैं, ये छत पर गए कैसे? या बेसिक तौर पर अगर हम समझें, जब कोई चोर घर में चोरी करता है तो उसे घर में घुसने के लिए कोई रास्ता चाहिए होता है जो प्री प्लान करके चलता है। गाइस, ऐसे ही फायर सेटबैक जो एक कर्मचारी होते हैं जो ये पैनल वगैरह लगाते हैं, इन केस फ्यूचर में कभी पैनलों में आग लग गई या पैनलों में कुछ ख़राबी आ गई, तो इनके लिए एक रास्ता छोड़ना पड़ता है। वो हम कैड में दिखाते हैं कि हाँ भाई, ये यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से उतर जाएगा। रूफ़ एक्सेस पॉइंट हमेशा फ्रंट से दिया जाता है, गैराज की तरफ से। चलो अब रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं कि फायर सेट बैग की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो ऐसी जगह से फायर सेट बैग मत दो जहाँ पर खिड़की हो। घर के फ्रंट में अगर कहीं पे खिड़की है या कोई पेड़ है तो वहाँ से फायर सेट बैग मत दो, क्योंकि उसे चढ़ने में दिक्कत होगी। हमेशा फायर सेट बैग सबसे पहले गैराज की तरफ से देना स्टार्ट करो। जिधर आपको गैराज दिख रहा है वहाँ से फायर सेट बैग देना स्टार्ट करो, ठीक है? वो आदमी उसे चढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ये सोच के चलो इसलिए, ठीक है? अब जो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है, 33% रूल। क्या है 33% रूल और कहाँ यूज़ होता है? जो आपका 33% रूल होता है ना, ये कैलिफोर्निया के फाइल में यूज़ होता है, और हमेशा ध्यान में रखना, कैलिफोर्निया की फाइल्स में 33% रूल होता है। ये है 33% रूल का फॉर्मूला, और कोई बड़ी महाभारत नहीं है, बस ढंग से समझना, समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो, 33% रूल ये होता है कि अगर आपका रूफ परसेंटेज कवरेज एरिया 33% से ज़्यादा आ रहा है तो आप रिज और हिप पे 36-36 का फायर सेट बैग दोगे। रिज पे 36-36 का दोनों तरफ और हिप पे एक तरफ, ठीक है? हिप पे एक तरफ जाएगा सिर्फ, ठीक। और अगर वो 33% से कम आ रहा है रूफ परसेंटेज कवरेज एरिया, तो आप नॉर्मल फायर सेट बैग दे सकते हो, जैसे मैंने इस फाइल में दे रखा है 18-18 का, ठीक है? तो हम धीरे धीरे फॉर्मूले में कैसे वैल्यू रखते हैं वो सीखेंगे। पहले मॉड्यूल काउंट कर लेता हूँ कि मेरे मॉड्यूल कितने हैं। 19 मॉड्यूल है, ठीक है? अब मैं ढंग से समझना, मैं धीरे धीरे वैल्यू फील करूँगा फॉर्मूले में। कोई आइंस्टाइन का फॉर्मूला नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला, नोट कर लेना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में। कोई बड़ी महाभारत नहीं इस फॉर्मूले में। तो मैं फॉर्मूला खोलता हूँ अपना, ठीक है? फॉर्मूले में सबसे पहले मेरी लेंथ विड्थ जाएगी मॉड्यूल की, इसमें लिख रहेगा मॉड्यूल लेंथ मॉड्यूल विड्थ इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। पहले इतना काम कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं धीरे धीरे वैल्यू रखना स्टार्ट करूँगा फॉर्मूले पे। ओके, तो फॉर्मूले में जैसे लिखा था, मॉड्यूल लेंथ मॉड्यूल विड्थ इंटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल लेंथ कितनी है? 67.6 इंटू मॉड्यूल विड्थ 41.1 इंटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था, मेरे छत पे 19 मॉड्यूल लगे हुए थे। ये फॉर्मूला देख लो और नोट कर लेना फॉर्मूलों को एक कॉपी में, ठीक है? 19 इंटू 19, ठीक है, इंटू 19 कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मॉड्यूल तक अपॉन 144। 144 कुछ नहीं है, ठीक है? उसके बाद है भागा रूफ एरिया, और मैंने अभी तक रूफ एरिया नहीं निकाला है, तो जिन्होंने ऑटोकैड कर रखा है उन्हें पता होगा कि रूफ एरिया कैसे निकालते हैं। लेकिन डबल ए एंटर कमांड होती है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी फाइल्स में। मैंने घर को ले आया, सो करके अलग कर दिया, कॉपी लाया उसका, मैंने दबाया सी एंटर, एक सर्कल मारा, ठीक है? मैं दबाऊंगा बी ओ एंटर, ठीक है? मैंने पिक पॉइंट लिया घर के बाहर, सर्कल के अंदर एक क्लिक मारा, उसके बाद एल आई एंटर, घर के एक लाइन पे क्लिक मारा,
और इसने बता दे भैया मेरा रूफ एरिया ये है 1441 जितना भी था, तो फॉर्मूले के हिसाब से रूफ एरिया आया भागा रूफ एरिया। ठीक है मैं कर देता हूँ इसको भागा रूफ एरिया से जितना भी था 1451। ओके अब मैं कर देता हूँ इन 200, ये आ गया 25.26। भाई ये तो 33 से कम है 25, तो इसका मतलब मैं 18-18 के फाइट सेटबैक दे सकता हूँ रिच पर और हिप पे। इस केस में हिप पे दोनों तरफ जाएगा फाइट सेटबैक। ठीक है अगर ये मतलब कि मैं रिच और हिप पे 18-18 के फाइट सेटबैक दे सकता हूँ। ओके क्योंकि वो 33% से कम आ रहे हैं। अगर ये वही वैल्यू मेरी 33% से ज़्यादा आती जो मेरा 25.29 आया था, तो मैं 34-34 के फाइट सेटबैक देता। समझ रहे हो? देखो मेरा आया 25, तो मैं फाइट सेटबैक ऐसे दूंगा, गैलाज की तरफ से फाइट सेटबैक दिया 18-18 का, रिच पे फाइट सेटबैक दे दिया 18-18 का, और ये मेरा जाने का रास्ता हिप से। भाई वो यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है क्यों? क्योंकि यार वो 33% से कम आया, मेरा 25 आया। 33 भी आता तो भी मैं 18-18 के फाइट सेटबैक देता, 33 से ज़्यादा आता तब मैं 36-36 का फाइट सेटबैक देता विद टिल्ट, ध्यान में रखना विद टिल्ट। ओके और एक और कंडीशन होती फाइट सेटबैक की, अगर आपके मॉड्यूल्स घर पे ना लग के गैराज पर लग रहे हैं, डिटैच गैराज, घर घर डिटैच मतलब घर से अलग, चिपका नहीं घर पे, तो भाई ये बात नोट कर लो कि गैराज पे कभी फाइट सेटबैक नहीं जाता। डिटैच गैराज पे जो घर पे नहीं है, ये गैराज घर पे है, यहाँ पे फाइट सेटबैक जाएगा। लेकिन अगर ये गैराज घर से अलग होता तो मैं फाइट सेटबैक नहीं देता गैराज पे। ये भाई रूल है, नोट कर लेना, हर कंपनी में रूल फॉलो होता है। ठीक है और एक बात और, जो आपकी साइड होती है ना, ये साइड देख रहे हो, ये साइड जैसे साइड बोलते हैं, इसमें हमेशा 36 का फायर सेटबैक जाना जाता है बिना टिल्ट के, हमेशा साइड पे 36 का फायर सेटबैक जाता है, वहाँ पे कोई टिल्ट के साथ फायर सेटबैक नहीं जाता। मैं आपको स्केच से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना कॉपी में नोट कर लो, हर कंपनी में ये रूल फॉलो होते हैं। ठीक है कोई किसी अलग कंपनी की, ये मेरी कंपनी के रूल्स नहीं है, हर कंपनी में फॉलो होते हैं ये रूल, नोट कर लो जितना बता रहा हूँ। ठीक है तो मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, अभी खिचड़ी पक गई हो। ठीक है स्केच को समझना ढंग से। ठीक है मैं एक पेन ले लेता हूँ। देखो ये मेरा घर है एक, ठीक है, और वो जो किनारे का पॉइंट है ना वो साइड है, तो जो ये साइड होती है ना साइड, इस पे हमेशा बिना टिल्ट के 36 का फायर सेटबैक जाता है। ठीक है रूफ कवरेज एरिया मेरा कम ही है, 25 ही है। ठीक है तो मैं 18-18 का फायर सेटबैक यहाँ दूंगा रिच पे, रिच पे और हिप पे 18-18 का फायर सेटबैक जाता है। रूफ कवरेज एरिया मेरा 25 आ रहा था। ठीक है ये होती साइड जो ऐसी ऐसी चीज़ होती ना, ये जो घर का ऐसा कोना होता है ना, जो ये ऐसा कोना जहाँ से आप टिल्ट निकालते हो, यही साइड होती है ये। अगर घर के फ्रंट में, घर के एंड पॉइंट में ना, तो 36-36 के फायर सेटबैक जाएंगे वहाँ पे बिना टिल्ट के, देखिए। और हिप पे 18-18, रिच पे 18-18। थोड़ा खिचड़ी सी पकड़ी होगी सॉरी, लेकिन वीडियो को बार बार दोबारा देखना, समझ में अच्छा आएगा। साइड पे 36 का जाएगा ब्रो, समझ रहे हो, साइड पे 36 का फाइट सेटबैक जाता है। साइड और ईव में थोड़ा फर्क होता है, समझने की कोशिश करो ब्रो। ओके तो ये मेरी रिच थी, मैंने 18-18 का फाइट सेटबैक दिया। अब देखिए अगर तुम्हारा 33% भी आता है ना, तो भी तुम 18-18 का ही फायर सेटबैक दोगे। खिचड़ी पक गई, खिचड़ी पक गई, खिचड़ी पक गई। ओके 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 अगर मेरा रूफ परसेंटेज जा भाई 34 आता तो मैं क्या करता? तो अब अच्छी तरीके से समझाता हूँ, तो मैं क्या करता, मैं हिप पे एक तरफ ही फायर सेटबैक देता 34 का, रिज पे दोनों तरफ 34-34 का, 34 बोले थे टिल्टे के साथ, बोलना 36 का जाता है, 36 का फायर सेटबैक देता मैं रिज पे।
तो गाइस अब मैं और अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि अगर मेरा फायर सेटबैक मतलब कि रूफ परसेंटेज कवरेज एरिया 33% से ज़्यादा आ रहा होता तो फिर मैं फायर सेटबैक किस हिसाब से देता। तब तो मुझे हर जगह पर ही 36-36 का ही फायर सेटबैक देना पड़ता। कंडीशन ये होती है कि हिप पे ना एक ही तरफ जाता है फायर सेटबैक, ऐसी कंडीशन में 36 का एक साइड जाता है बस, क्योंकि 18-18 का नहीं दोगे तुम, वो फिर 33% रूल के हिसाब से नहीं होता। आपको हिप पे एक साइड देना पड़ता है 36 का, रिच पे दोनों तरफ जाता है 36-36 का, और फिर जाने के रास्ते से 36 का फायर सेटबैक। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसमें। और काफ़ी मेरे भाई बंधु कह रहे थे मुझे कि इस सिटी में कैसा फायर सेट, भाई फायर सेट बैग देने के ना कुछ NEC कोड के हिसाब से भी फायर सेट बैग जाते हैं। वो आप जिस कंपनी में जब काम कर रहे होंगे ना, जहाँ की फाइल होगी ना, वो आपको बता देंगे। वो कस्टमर ने बताया रहता है भाई कि आप इसमें ऐसे ऐसे फायर सेट बैग दोगे। फ़िलहाल के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे फायर सेट बैग कह दिया, हिप पे एक तरफ, रिच पे दोनों तरफ 36-36 का, और जाने जहाँ से वो बाहर निकलेगा वहाँ पे सिर्फ एक साइड ही फायर सेट बैग दिया मैंने 36 का। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो दोबारा वीडियो देखना, तिबारा वीडियो देखना, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये है साइड, मैं यहाँ से 36 का फायर सेट बैग। रूफ एक्सेस पॉइंट हमेशा फ्रंट से दिया जाता है। ठीक है, जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये साइड होती है, इसमें हमेशा 36 का ही फायर सेट बैग जाता है। 36 का फायर सेट बैग बिना टिल्ट के ये साइड पे हमेशा 36 का फायर सेट बैग जाता है। मेरे इस घर में कोई साइड नहीं है, ये हिप थी, मैंने 36 का फायर सेट बैग एक तरफ दिया, 36-36 के रिच पे दोनों तरफ। ये इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब मेरा रूफ परसेंटेज कवरेज एरिया ज़्यादा आ रहा है 33% से ज़्यादा। अगर कम आ रहा होता तो मैं ऐसे देता फायर सेट बैग 18-18 के हिसाब से, तब टोटल 36 का फायर सेट बैग जाता टोटल, समझ रहे हो। यही है 33% रूल, मैंने बता दिया तुम्हें। बाकी मैं और टैक्सेस के हिसाब से भी बताऊंगा कि फायर सेट बैग कैसे देते हैं। फ़िलहाल मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ओकलामा सिटी में फायर सेट बैग कैसे जाते हैं, इसमें कैसे फायर। देखो, कैलिफोर्निया की कोई भी फाइल आती है ना, उसमें 33% रूल फॉलो होता है, और जो आपके टैक्सेस की फाइलें होती है उनकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है, वहाँ 33% रूल फॉलो नहीं होता। वो उनका रूल फिक्स रहता है, वो हमेशा रिच पे एक तरफ फायर सेट बैग देते हैं। तो गैस मैंने काफ़ी लड़के मेरे को बोल रहे थे कमेंट में कि ओखलामा सिटी में फायर सेट बैग कैसे देते हैं, ये अलाना फलाना ढिमकाना। देखो भाई, बात ऐसी है कि मेन होता है कैलिफोर्निया और टेक्सास, यहाँ की फाइलों में, कैलिफोर्निया की फाइल में 33% रूल फॉलो होता है, टेक्सास की फाइलों में नॉर्मल फायर सेट बैग जाते हैं। नॉर्मल बोले तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मेरी टैक्सेस की फाइलों के फायर सेट बैग के बारे में ही बात करूंगा मैं। आज मैंने तुम्हें कैलिफोर्निया की फाइलों का सीन बताया, और काफ़ी कंपनीज़ में NEC कोड के हिसाब से फायर सेट बैग डालते हैं, उनके पास किसी अलग स्टेट का काम आता होगा, मैक्सिको या कोई अदर स्टेट का काम आता होगा, वहाँ NEC के हिसाब से उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वो आप जब जिस कंपनी में काम करने जाओगे ना, वो आपको बता देंगे, या आपका जो भी फाइल आएगी ना उसमें क्लाइंट की कस्टमर डिटेल रहती है, वो खुद लिख के देते हैं भाई हमें फायर सेट बैग या तो चाहिए ही नहीं, या तो इस हिसाब से हमें फायर सेट बैग चाहिए, वो क्लाइंट लिख के देता है, वो सब पता चल जाता है। मेन कैलिफोर्निया की, जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि 33% रूल क्या होता है, या आप में से कई लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे, पूछा होगा उनसे 33% रूल, क्योंकि कैलिफोर्निया से सबसे ज़्यादा पैनल का काम आता है, इसलिए वो 33% रूल तो आप रट लेना, प्रैक्टिस करना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, और जो आपका टैक्सेस का सीन है वो मैं धीरे धीरे बताऊँगा। और एक और बात मैं आज कहना चाहूँगा कि
अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर किए, क्योंकि इस चैनल पे मैं धीरे धीरे, जिसे काम आता हो या काम नहीं आता हो, मैं धीरे धीरे इस चैनल पे बैटरी फाइल्स, ग्राउंड माउंट फाइल्स और भी कई टाइप की फाइल सबकी ट्रेनिंग दूंगा। मैं आपको इतनी ग्राउंड माउंट की ट्रेनिंग दूंगा इस चैनल पे कि जो आपने नाम ही नहीं सुन रखे होंगे। कई ऐसी ग्राउंड माउंट की फाइल होती हैं, देखो जिसको काम आता हो उसने आज तक कौन कौन सी ग्राउंड माउंट की होंगी, आयरन रेज, सन मोडो, स्नैप एंड रैक। लेकिन मैंने बहुत सारे ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट पे काम किया है। मैं धीरे धीरे इस चैनल पे सारे टाइप की फाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा। बैटरी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा बेसिक चैप्टर चल रहा है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब मैं नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा। जिन्हें अभी पैनल परमिट के बारे में कुछ नहीं आता, उनके लिए मैं और अच्छे से बहुत बेसिक से प्लान बताऊंगा, सारी टाइप की वीडियो निकालूंगा। मैं चाहता हूँ फटाफट मैं वीडियोस बनाऊँ फटाफट। तो गाइस यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैं आपको कहूँगा कि यार चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें काम आता है नहीं आता। बस थैंक यू, बाय बाय।